Assalamu alaikum dear students. In today's video, we are going to explain what is ideal gas and what is real gas. आज के इस वीडियो में हम आइडियल और रियल गैस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम केमिस्ट्री में अक्सर आइडियल गैस के बारे में सुनते रहते हैं और हम अक्सर रियल गैसेस को डिस्कस करते रहते हैं, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि आइडियल गैस होता क्या है, किस गैस को हम आइडियल कहते हैं और किस गैस को हम रियल कहते हैं। सो बिफोर वी टेक अ प्रॉपर स्टार्ट, वी नीड टू डिफाइन आइडियल एंड रियल गैसेस। सो आइडियल और रियल गैसेस को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। नंबर वन, आइडियल गैस। आइडियल गैस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द गैस विच ओबेज All gas laws at all conditions of temperature and pressure. Is called ideal gas. Ideal gas वो गैस होता है जो तमाम कंडीशंस पर तमाम गैस लॉज को ओबे करेगा, तो ऐसे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बॉयलर में कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास बॉयलर का इक्वेशन है। तो आइडियल गैस वो गैस होगा जिसके लिए पीवी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम करेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगा और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तब भी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब भी प्रेशर में बॉयल ला के मुताबिक डिक्रीज आएगा, और अगर टेम्परेचर कम है और हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब भी बॉयल ला के मुताबिक वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। लिहाजा अगर हमारे पास गैस हाई प्रेशर पे है और हम उसके बावजूद प्रेशर इंक्रीज करते हैं और गैस के वॉल्यूम में बॉयल ला के मुताबिक डिक्रीज आता है, उसका पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, तो ऐसे गैस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वी बाई टी इज इक्वल टू के, ये चार्ल्स ला का इक्वेशन है। According to this equation, the ratio of volume to temperature will always remains constant at constant pressure. लिहाजा आइडियल गैस वो गैस होगा जो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को किसी भी कंडीशन पे ओबे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेशर ज़्यादा है तब भी वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो किसी गैस के लिए अगर कांस्टेंट आता है, और अगर प्रेशर कम है तब भी वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो किसी गैस के लिए कांस्टेंट आता है, तो ऐसे गैस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। यानी आइडियल गैस इन शॉर्ट वो गैस है जो किसी भी कंडीशन पे किसी भी गैस लॉज को परफेक्टली ओबे करता है, तो ऐसे गैस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। या फिर अगर इन जो हमने एक्सप्लेनेशन की इनको हम समराइज कर ले तो आइडियल गैस को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द गैस विच ओबेज General gas equation under all conditions of temperature and pressure is called ideal gas. यानी वो गैस जो तमाम कंडीशंस पे जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करता है, यानी
PV is equal to nRT. This is general gas equation. लिहाजा वो गैस जो तमाम कंडीशन पे इस इक्वेशन को ओबे करता है उस गैस को हम क्या कहते हैं, ऐसे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट आइडियल गैस. नाउ द सेकेंड वन इज नॉन आइडियल और रियल गैस. नॉन आइडियल गैस या रियल गैस दूसरा है. इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द गैस विच डज नॉट ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल आर रियल गैस. नॉन आइडियल आर रियल गैस किस गैस को कहते हैं, द गैस विच डज नॉट ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो गैस जो गैस लॉज को तो ओबे करता है लेकिन ऑल कंडीशंस पे ओबे नहीं करता. बाज कंडीशन पे गैस लॉज को ओबे करते हैं तो हम कहते हैं कि नाउ रियल गैस इज बिहेविंग आइडियली, लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाते हैं तो रियल गैस इज हर कंडीशन पे आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते बल्कि बाज कंडीशन पे वो आइडियल बिहेवियर शो करने से इनकार करते हैं, इन्हेराब करते हैं, डिविएशन शो करते हैं. लिहाजा ऐसे गैसेस जो बाज कंडीशन पे तो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस को ओबे करते हैं लेकिन बाज कंडीशन पे वो आइडियल गैस लॉज को ओबे करने से इनकार करते हैं, डिविएशन शो करते हैं, तो ऐसे गैसेस को हम क्या कहते हैं, रियल गैसेस कहते हैं. ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आर रियल गैसेस बट अंडर सर्टन कंडीशन दे शो आइडियल बिहेवियर, बट अंडर अदर कंडीशन दे शो नॉन आइडियल आर रियल बिहेवियर. ठीक है, ओके. तो हमारे पास दुनिया में आइडियल गैस नहीं है बल्कि आइडियल गैस हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और तमाम गैसेस जो बाज कंडीशन पे आइडियल बिहेवियर शो करते हैं हम उनको आइडियल गैस के स्टैंडर्ड में डाल देते हैं. लेकिन जब रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएशन शो करते हैं तब हम उन गैसेस को आइडियल नहीं कहते, हम कहते हैं कि अब रियल गैस ने आइडियल बिहेवियर से डिविएशन कर लिया. ठीक है, और दूसरा डिफिनेशन हम इसको इस तरह करते हैं कि द गैस जिस तरह ये है, द गैस विच डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन, द गैस विच डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन. ये जनरल गैस इक्वेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि इसमें तमाम लॉज को हमने इकट्ठा किया हुआ है. सो द गैस विच डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल और रियल गैस. वो गैस जो
जनरल गेस इक्वेशन को तो ओबे करता है, लेकिन ऑल कंडीशंस पे ओबे नहीं करता। सर्टन कंडीशन पे जनरल गेस इक्वेशन को ओबे करता है, लेकिन सर्टन कंडीशन पे वो जनरल गेस इक्वेशन को ओबे नहीं करता। इसका मतलब है कि तमाम कंडीशन पे ये जनरल गेस इक्वेशन को ओबे नहीं करता, बल्कि कुछ पे ओबे करता है और कुछ पे नहीं करता। तो ऐसे गैस को हम रियल या नॉन आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस वो गैस होता है जो यस मैन होता है, जो किसी भी कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशंस को या गैस लॉज को पूरी तरह ओबे करता है। तो इसको हम आइडियल गैस कहते हैं और इसको हम नॉन आइडियल गैस कहते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट से दुनिया में हर किसी का दोस्त होता है और हर किसी के दोस्तों में से कुछ दोस्त आइडियल होते हैं। हम कहते हैं फला मेरा आइडियल फ्रेंड है। तो हम उसको आइडियल इसलिए कहते हैं कि वो हमारे माइंड के मुताबिक मैक्सिमम चलता है। यानी हम उसे कहते हैं चलो गेम पे चलते हैं तो वो हमारे पास गेम पे चलता है। हम उसको कहते हैं चलो स्टडी करते हैं तो हमारे पास स्टडी पे चलता है। हम उसको कहते हैं कि हम जॉगिंग पे चलते हैं तो वो हमारे पास जॉगिंग पे चलता है। मतलब हम उसे जो कहते हैं वो उसको मानता है। तो ऐसे दोस्त को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा ये जो दोस्त है ये मेरा आइडियल दोस्त है, बिकॉज ये मेरे तकरीबन तमाम बातें मानता है। लेकिन अगर उसी दोस्त को आप रात के 3 बजे कॉल करके कहते हैं कि यार चलो बाहर चलते हैं और वॉक करते हैं, तो अब कंडीशन ऐसा है कि अगर वो उसी टाइम निकलेगा तो माँ बाप उसको गुस्सा होंगे कि रात के इतने देर आप किधर जा रहे हो। लिहाजा वो अब आपको इनकार करेगा, वो कहता है कि इसी टाइम में बाहर निकलूँ, आप पागल तो नहीं हुए हो। इसका मतलब है कि वही दोस्त जो आपकी मैक्सिमम बातें मानता रहता था, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई, लिहाजा नाउ उसने आइडियल फ्रेंडशिप से डिविएशन शो कर ली। वो अब आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि अब कंडीशन उसको अलाउ नहीं करती। वो कहेगा कि कल देखेंगे। लिहाजा हम कहते हैं कि वो दोस्त हमारा आइडियल दोस्त है, लेकिन ये जो हमारा आइडियल दोस्त है वो भी मैक्सिमम कंडीशन पे आइडियल है। और जब कंडीशन चेंज हो जाता है, जब कंडीशन ऐसा हो जाता है जो इसके लिए फिजिबल नहीं है, तो वो डिविएशन शो करता है। तो हम कहते हैं कि दुनिया में आइडियल नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम हमारी बातें मानता है, जो मैक्सिमम हमारी मर्जी पे चलता है, तो हम कहते हैं कि देट इज़ नियर टू आइडियल। सो हम उसको आइडियल के खाते में डाल देते हैं फॉर द टाइम बींग। ठीक है, इसीलिए अगर हम गैस की तरफ आए तो बॉयल ने कहा था कि व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम शुड डिक्रीज। अगर हम साइकिल का टायर में हम पंप से एयर भरते हैं, तो अगर टायर खाली है तो और हम हवा भरते हैं तो इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इज द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल, क्योंकि एयर प्रेशर फिलहाल ट्यूब में कम है। लेकिन जो जो आप टायर में गैस डालते जाते हैं तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और गैस का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तकरीबन 30-40 पंप मारने के बाद अगर आप 41वां पंप मारे तो पहले आपने जितना प्रेशर डाला था और वॉल्यूम में जितना डिक्रीज आया था, अब उतना प्रेशर डालने से वॉल्यूम में उतना डिक्रीज नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा कम डिक्रीज आएगा। इसका मतलब है कि अब इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम को बॉयल लॉज के मुताबिक डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि अब गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, गैस का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया और अब इंक्रीज इन प्रेशर इज बीइंग रिजिस्टेड बाय द गैस। अब गैस इंक्रीज इन प्रेशर को थोड़ा रिजिस्ट कर रहे हैं, लिहाजा अब अगर आप इंक्रीज इन प्रेशर करते हो तो वॉल्यूम में बॉयल के मुताबिक डिक्रीज नहीं आएगा। और जो जो इंटरनल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो यूर इंक्रीज इन प्रेशर आपका पंप मारना कम एयर इंजेक्ट करेगा, क्योंकि आपका इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम को अब बहुत कम डिक्रीज कर रहा है। तो हम कहते हैं कि अब आइडियल गैस इक्वेशन से, अब बॉयल लॉ से ये रियल गैस डिविएशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो गैस टायर में डालते हैं वो रियल गैस है। स्टार्ट में वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा था, लेकिन जो जो इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा था तो वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करने लगा। सो ऐसा गैस जो बाज कंडीशन पे तो आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है, जिस तरह हमने पहले पंप मारने शुरू किए तो गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल बिहेवियर कर रहा था, लेकिन जब कंडीशन चेंज होता है, जब इंटरनल प्रेशर चेंज हो गया, बढ़ गया,
तो नाउ इंक्रीज इन प्रेशर करिस्पॉन्डिंग डिक्रीज नहीं ला रहा, तो हम कहते हैं कि रियल गैसेस जो है, तमाम गैसेस रियल है, वो बाज कंडीशन पे आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाता है तो वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइडियल एंड रियल गैसेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।